तो ये प्याज काटते हुए आपकी आंखों से वो पानी नहीं आता? यार बड़ी अच्छी बात है ये भी, क्योंकि इसके बाद मुझे ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। दिल से प्यार करता है ना, इसलिए नहीं आता। दिल से? हाँ। नहीं, मैं भी दिल नहीं प्यार करता, लेकिन मेरी आँखों जो पानी आता है। नहीं फिर आप दिल में कोड़ रखते होगे सर। क्या बात है, तू करो कड़वाएंगे मैनू। ते पढ़ी किन्ना? एफएम किता है, मेरा मियां ने साथ दिता है। के तुहानू ट्यूशन पढ़ांदा रहा? नहीं। अच्छा, ये दिल्ली की बनी हुई है, दिल्ली से छपी है जी, जी। प्रिंटिंग प्रेस वहां का है जी, जी। तो इधर से आपको मिल जाती है फिर जी। गैस, ये छोटा सा गांव है, 200 के करीब घर होंगे, जिसमें 30% जो है यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, बाकी जो है ना वो हिंदू बरादरी बैठी हुई है यहाँ पे। तो ये चोलिस्तान का ही एरिया है, लेकिन अभी आस्ता आस्ता ये बाद होना शुरू हो गया, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है। तो जहाँ पे बिल्कुल बड़े बड़े टीले थे, उन सबको लेवल करके वहाँ पर फील्ड बनाए जा रहे हैं। ये इस तरफ देखें, ये सारा आगे डेजर्ट है, लेकिन ये बस एक एज है, ये एक छोटा सा रोड है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਰੂਪਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। 6? ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਇਨਕਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ ਇਨਕੇ ਪਾਸ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸਾਥ ਮੇਂ ਹੈ, ਵੋ ਇਨਕਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪਾਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? 2-250। सारे मुस्लिम अपना हिंदू कम्युनिटी है या मुसलमान भी है? मुसलमान भी है। मुसलमान कितने के ने? 60-70 का। कोई मसला सेल तो नहीं होता? नहीं, कोई कोई मसला नहीं, नहीं। तुझे तो चार दीवारी भी नहीं बनाई, किसी घर दी भी नहीं हैगी? नहीं, एवं लगे अमन है सारा। अमन, अमन, अमन है। गावां कितनी के रखी ने? चार दूध दें जी। और कारोबार की करते हो? खेतीबाड़ी दे। इतने लागे जमीन है या कितने दूर है? बस लागे ही है। पहले मैंने एक खाना बदोशों की वीडियो बनाई थी, जिसमें वो कह रहे कि हमारे रिवाज है मर्द खाना बनाते हैं, तो उसमें काफी जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप क्या वीडियो में दिखा रहे हैं, हमारे लिए घरों में ना मुसीबत बन गई है। तो ये प्याज काटते हुए आपकी आंखों से वो पानी नहीं आता? यार बड़ी अच्छी बात है ये भी, क्योंकि इसके बाद मुझे ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। दिल से प्यार करता है ना, इसलिए नहीं आता। दिल से? हाँ। नहीं, मैं भी दिल नहीं प्यार करता, लेकिन मेरी आँखों जो पानी आता है। नहीं फिर आप दिल में कोड़ रखते होगे सर। शाबाश, तू करो कड़वाएंगे मैनू। सही पॉइंट मारे सर, और सा काम हुआ है वे। हाँ नहीं, ये बाजी करो कड़ाएगी मैनू, पक्की गल है। अच्छा, कितने थी है ਇਹ ਵਾਈਟ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਔਰੰਜ ਜਾਂ ਕਲਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਗਾਇਜ਼ ਇਨਕਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਣਾਤੇ ਹੈ। यहाँ पे जगह के हिसाब से है। नहीं, जगह तो बहुत बड़ी है, सारे इसी तरह से बनाए हुए हैं, छोटे छोटे जी जी। नहीं, इसके अंदर क्या है जी? इसके अंदर गीता है। गीता जी, जैसे पढ़ लेते हैं आप जी, दिखाएं जरा खोल के। इसलिए हम घर में बनाए हुए हैं कि ना हर कोई अपने घर में पूजा कर सके। हमारा भी मंदिर है, उधर हम जाते हैं। यानी बड़ा मंदिर अलग है? हाँ अलग है, ये घर में बस पूजा करने के लिए है। ओके ओके। हाँ, ये हमारी भगवान की किताब गीता। ये पैसे क्यों रखे थे? बस ऐसे ही जब हम खोलते हैं ना। अच्छा।
अच्छा ये लिखी उसमें उर्दू में ही है जी, उर्दू में तर्जुमा किया होगा ना किसी, जी जी जी, ये दिखाना। अच्छा ये दिल्ली की बनी हुई है, दिल्ली से छपी है जी, प्रिंटिंग प्रेस वहाँ का है जी, जी। तो इधर से आपको मिल जाती है फिर जी, ये हमें रहीमिया खान से मिलती है। अच्छा वहाँ आपको बुक स्टोर से मिलती है। तो गैस ये देखें, ये रतन एंड को ताजरान, रतन एंड को ताजरान कुतुब दरीबा कला दिल्ली। तो गैस ये दिल्ली से ये प्रिंट हुई है और यहाँ पर रहीमिया खान में कह रहे हैं कि कोई स्टोर है वहाँ से ये लेते हैं। तो ये अब पढ़ते फिर पूरे यानी कि उनको सुनाते हैं घर वालों को भी, या जी। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए कि आप इनकी होली बुक दिखाएं, तो वो मैंने आपको दिखाती। ये लोग यहाँ पे ये देखें ये दिया वगैरह जलाते हैं। और आप ये पूजा किनको करते हैं आप, वो कहते हैं ये राम का मंदिर है, ये फलां का मंदिर है, ये बाबा रामदेव का मंदिर है। बाबा रामदेव का, मैंने इनका सिंध में मेला लगता है। इसके ऊपर आप क्या करते हैं, इसके ऊपर हम भी इनमें से अपने मंत्र है ना, यानी कि जैसे आप तस्बीह में गिनते रहते हैं वैसे इसे गिनते। अच्छा आप इससे, तो ये बांसुरी भी, ये बांसुरी है जी जी, ये बजाते हैं आप? नहीं मेरे मामू बजाता है मुझे। वो मामू है इधर? हाँ इधर। तो फिर उनको बोलो बजा के दिखाएं। ये ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸੁਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੁਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਤੀ। ਆਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਯਾਨੀ ਆਰਤੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੁਮ ਗਿਰੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਆਨਾ, ਗੋਕਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਈਆਂ ਚਰਾਨਾ, ਬਛੜਾਂ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੁਮ ਗਿਰੇ ਮੇਰੇ ਆਨਾ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਸਕੀ ਵੋ ਆਪ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੀਮ ਕਹਿ ਲੇ ਜਾਂ ਟੂਨ ਕਹਿ ਲੇ ਵੋ ਵਾਲੀ। दो देवर ने, एक सास है, एक ससुर है, छह मेरे बच्चे ने, एक मेरा मी है। यानी छह सात अफराद है ने कर दे? नहीं, दस बारह बंदे हैं। अच्छा बच्चे मिला के इन्हें बन देने? हाँ बच्चे मिला के। ते पढ़ी किन्ना? एफ ए में किता है। एफ ए किता है? हाँ। सही है। तो वो की छोटी उम्र ची एफ ए कर लिया की शादी बहुत देर होगी? कुछ पहले किता है, पढ़ी किता है, तो कुछ शादी विच भी किता है। अच्छा शादी होगी उस तो बाद फिर एफ ए तक किता है? हाँ मेरा मियां ने साथ दिता है। के तुहानू ट्यूशन पढ़ांदा रहा? नहीं सर, छोड़ा ना सी स्कूल, ले भी आंदा सी। अच्छा यानी तुहानू स्कूल छड्ड भी आंदा सी, ले भी आंदा? हां असी ते समझया इजाजत दीती है ना। हां ये भी है, इजाजत दीती है ता पढ़ी होई है ना। हां बिल्कुल। हां इजाजत नहीं देना तो फिर मेरी पढ़ाई इत्थे रुक जांदी। सो गाइस ये कह रही है कि मैट्रिक में पास की है तो मेरी शादी होगी, फिर अपने बच्चों में बिजी होगी, लेकिन उसके बाद ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया तो मैंने एफ ए तक जो है ना तलीम हासिल कर ली। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਨਮਕ ਮਿਰਚੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਸਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਵੀ ਦਰ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਦਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਬਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਛੋਟਾ ਸਾ ਡੋਰ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਵੋ ਕਿਚਨ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਰਤਨ, ਸਪਾਈਸੀਸ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੱਖੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਠਾਤੀ ਹੈ।
वहाँ पे कुकिंग करती हैं। सामने इनका मंदिर है, ये भी इन्होंने एक सामने वो बनाया हुआ है ये बर्तन वगैरह रखने के लिए, और वो तनूर है वहाँ पे, अभी जो है ना वो ये गर्म हो जाएगा, आग जला दी है उसके अंदर, देंगी वहाँ पे रोटी बनाएगी। और इसके अंदर रखी होती है गंदम, ये देखें ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, यहाँ से खोल के ये गंदम निकालते हैं। ਇਹ ਬਿੰਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿੰਡੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਸਹੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ये जी, इन्होंने तंदूर की रोटी बनाई है, साथ में ये भिंडी, ये इनके अपने अपनी फसलें, वहाँ से इनके बच्चे जो है ना वो तोड़ के लेके आए हैं। घर का जो गाय रखी हुई इन्होंने उसका मक्खन है, ताज़ा रोटी वो भी तंदूरी, दोपहर का टाइम, फुल भूख लगी हुई थी, और ये ताज़ा भिंडी वो भी अपनी फील्ड की, यानी कोई फार्म ही नहीं है, और इसका टेस्ट ही अलग है। वैसे भी दोपहर में पकाने या सिर्फ 12:30 बजे तक पकाइए? नहीं, पकाने रहने दोपहर में पकाने जी।